स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज हाउस की इस नई वीडियो में। हम डिस्कस करेंगे आज का हिंदू एनालिसिस। पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एडिटोरियल, जिसमें हम चार मेन एडिटोरियल्स डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले दोस्तों रियलिटी चेक। सो दोस्तों कल ही हमने बात की थी रिगार्डिंग RBI's रिसेंट रिपोर्ट ऑन फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। सो द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट विच इज़ पब्लिश्ड बाय RBI हैज़ सेड दैट द NPAs यानी कि हमारे जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं दोस्तों, फॉर एग्जांपल NPA को अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझाना चाहूँ तो फॉर एग्जांपल अगर कोई मेरे से डेप्ट लेता है, कोई मेरे से लोन लेता है, कोई बैंक से अगर लोन लेता है और उसको रीपे नहीं कर पाता है, एंड अगर इस नॉन पेमेंट को बैंक एंटिसिपेट कर सकता है कि भाई अब जो है ये लोन नहीं पे होने वाला है। फॉर एग्जांपल जैसे कि हमारे नीरव मोदी जी हैं जो भाग के चले गए हैं, या फिर हमारे विजय माल्या जी हों जो छोड़ के चले गए, कंट्री और देश को अच्छा खासा नुकसान करके चले गए। उन्होंने जो लोन लिया था वो एक नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो गया, क्योंकि उनके जो एसेट्स थे जो उन्होंने विद लोन जमा करे थे उनको गवर्नमेंट या फिर जो भी बैंक है वो कलेक्ट ही नहीं कर सकता उस लोन के अगेंस्ट। तो ऐसे जो हो जाते हैं उनको बोलते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। फिर एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट होता है जिसको बोलते हैं ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, यानी जो और भी ज़्यादा ग्रेव डिग्री जिनका और भी ज़्यादा मिलना मुश्किल है उनको बोलते हैं GNPA ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। तो अब दोस्तों जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट आई है RBI की, उसका ये कहना है कि जो GNPA है वो 11.6% जो मार्च 2018 में था वो 12.2% हो जाएगा मार्च 2019 में, यानी कि देर इज़ इंक्रीज इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इन अनदर नेक्स्ट ईयर। तो ये काफ़ी जो है बुरी खबर है इंडिया के लिए अगर RBI ऐसा प्रेडिक्ट कर रहा है। अब दोस्त को इसके जो है डिफरेंट रीजंस हैं। गवर्नमेंट का जो ये रिपोर्ट है थ्रू RBI उसका ये कहना है कि जो मोस्ट ऑफ NPAs जो एग्जिस्ट करते हैं वो जो है पब्लिक सेक्टर बैंक्स में एग्जिस्ट करते हैं, PSBs इनकी जो शॉर्ट फॉर्म होती है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स में जो ये करते हैं। तो इस वाले जो एडिटोरियल है उसके अंदर ये चीज़ के साथ डील किया गया कि किस तरीके से नेसेसरी है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके अंदर गवर्नेंस रिफॉर्म्स लाए जाएं, कि भाई जो गवर्नमेंट के बैंक्स हैं वो एक किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे ही लोन्स दें, जो भी लोन लिए जाए उसकी रिकवरी का क्या मैकेनिज़म हो। ऑल्सो फोकस इज़ ऑन इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो कि आने वाला है सून, आ भी गया है एक तरीके से। तो ये कुछ गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं जो ज़रूरी हैं ताकि जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके अगेंस्ट जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का बढ़ता हुआ भार है वो कम किया जा सके, उसके लिए ज़रूरी है गवर्नेंस रिफॉर्म्स। तो दोस्तों शॉर्ट एडिटोरियल था और इसके अंदर इन सब चीज़ों से डील किया गया है। उसके बाद हमारा दोस्तों सेकेंड एडिटोरियल है रीथिंकिंग द रेफरेंडम। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि ब्रेक्सिट नाम का एक रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम का मतलब जहाँ पे लोग आके डायरेक्टली वोट करते हैं विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर डिसीजन। तो ब्रेक्सिट यानी कि ब्रिटेन का एग्जिट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन। तो ब्रिटेन जो है यूरोपियन यूनियन का मेंबर था, लेकिन उसने आफ्टर रेफरेंडम जिसमें लोगों ने आके वोट डाला उसमें ये डिसाइड किया गया कि ब्रिटेन जो है वो एग्जिट करेगा यूरोपियन यूनियन से। तो अब ये इन लोगों का मानना है, ये देखिए दोस्तों 2.5 साल 3 साल हो गए हैं इस ब्रेक्सिट को हुए, इस वाले आर्टिकल के अंदर ये चीज़ डिस्कस की गई है कि क्या हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है। सॉरी फॉर दिस मिसहैप। सो ये चीज़ बोली गई कि क्या हमें रीथिंक करने की ज़रूरत है कि जो भी रेफरेंडम आया था, क्योंकि दोस्तों जो रेफरेंडम आया था बहुत शॉर्ट परसेंट ऑफ लोग थे जो फेवर में थे, और जो मतलब डिफरेंस जो था 2-3% का ही था। तो किस चीज़ का डिफरेंस? जिन लोगों ने ब्रेक्सिट के फेवर में वोट डाला था और जिन्होंने ब्रेक्सिट के अगेंस्ट वोट डाला था, यानी कि जिन लोगों का ये मानना था कि ब्रेक्सिट होना चाहिए वो सिर्फ 2-3% ही ज़्यादा थे उन लोगों से जिन्होंने ये चीज़ बोली थी कि ब्रेक्सिट नहीं होना चाहिए। तो यही चीज़ अब बार बार बोले जा रहे कि अब क्या रीजंस है जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि रेफरेंडम को रीथिंक करने की ज़रूरत है कि दोबारा क्या कराया जाए रेफरेंडम। अब दोस्तों उसके मैं आपको 3 शॉर्ट रीजंस बहुत जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला है दोस्तों प्रोमिसेस, यानी कि जिन लोगों ने ये चीज़ बोली थी कि ब्रेक्सिट होना चाहिए उन्होंने कई सारे प्रोमिसेस किए थे, जैसे कि किसी पर्टिकुलर सेक्टर हेल्थ सेक्टर के अंदर इंक्रीज़ किया जाएगा इनफ्लो ऑफ मनी, यानी कि फॉर एग्जांपल नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम जो भी है ब्रिटेन की उसके अंदर और ज़्यादा पैसा डाला जाएगा, ये प्रोमिस किया गया था कि
जो भी लोग ब्रेक्सिट के फेवर में करेंगे तो ब्रेक्सिट का ये फ़ायदा होगा, लेकिन अभी तक ये प्रोमिसज फुलफिल नहीं हुए। तो जिन लोगों ने ब्रेक्सिट के फेवर में वोट डाला था वो भी अब सोच रहे हैं कि भाई ये जो डिसीजन लिया गया था ये सही है कि नहीं। ये तो पहला रीज़न हो गया। दूसरे रीज़न है प्रॉब्लम एरियाज़ का, यानी कि कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है कि किस तरीके से डिसीजन होगा। देखिए पहले भी कुछ कंट्रीज़ ने जो है ब्रेक्सिट के तरीके से यूरोपियन यूनियन से कुछ डिस्टेंसेस बनाए हैं। कुछ कंट्रीज़ पर्टिकुलर थी जिन्होंने अपना ऐसा स्टेटस बनाया हुआ है कि वो यूरोपियन यूनियन के अंडर नहीं आती लेकिन यूरोपियन यूनियन के कॉमर्शियल लॉज मानती है। तो इसी तरीके से कन्फ्यूज़न है कि जो ब्रेक्सिट है इसका क्या मायना है, क्या इसकी लिमिट है, कितना वो लोग यूरोपियन यूनियन से अलग हो गए हैं, कितना वो यूरोपियन जोन के लॉज से अलग हो चुके हैं। इस सब पे अभी तक क्लैरिटी नहीं आई है जिसकी वजह से देर इज़ ह्यूज कन्फ्यूज़न और लोग बार बार सोच रहे हैं कि क्या ये डिसीज़न ब्रेक्सिट का सही था कि नहीं था। अब इसका जो तीसरा दोस्तों डिसएडवांटेज है वो है विद रेस्पेक्ट टू गवर्नेंस इंस्टेबिलिटी, शॉर्ट फॉर्म में आपको मैं लिख देता हूँ, क्योंकि कॉन्टीन्यूसली पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। कौन अभी जो लोग पावर में हैं वहाँ पे वो लोग अपने प्रोमिसज फुलफ़िल कर सकें सही से, जो लॉज अभी बनने वाले हैं या फिर जो लॉज रिपील होने वाले हैं, यानी कि फॉर एग्जांपल अगर आप ब्रेक्सिट से लीव कर रहे हैं तो कुछ पर्टिकुलर लॉज जो हैं यूरोपियन यूनियन के आपके ऊपर अप्लाई नहीं होंगे। अब उनके ऊपर कन्फ्यूज़न है, अब कहाँ पे जाके किससे क्लियर किया जाए इस चीज़ के रिगार्डिंग क्लैरिटी ही नहीं है। तो गवर्नेंस इश्यूज़ काफ़ी ज़्यादा हैं और इसी वजह से गवर्नेंस इंस्टेबिलिटी बनी हुई है। तो इस आर्टिकल के अंदर आज ये तीन रीजंस दिए कि व्हाई वी नीड टू रीथिंक द रेफरेंडम। अब दोस्तों हमारी जो थर्ड एडिटोरियल है वो है फ्रॉम लिटिल टू ज़ीरो टॉलरेंस। अब दोस्तों आपको पता ही है कि रिसेंटली US के जो प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने ये कहा था कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनके जो चिल्ड्रन हैं उनको उनके पेरेंट्स से अलग कर दिया जाएगा। यानी कि अगर कोई USA के अंदर मेक्सिको से एंटर करता है तो उस फैमिली के पेरेंट्स और किड को अलग कर दिया जाएगा। सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ रिटेलिएशन, एक पनिशमेंट है उन लोगों के लिए जो इलीगली USA के अंदर घुस रहे हैं मेक्सिको से। अब इसके रिगार्डिंग कॉन्ट्रोवर्सी थी क्योंकि डिफरेंट लोगों ने डिफरेंट आवाज़ें उठाई और उन्होंने बोला कि ये जो है चाइल्ड राइट्स का वोलेशन इसको बोला गया। अब दोस्तों इस आर्टिकल के अंदर क्या उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, उनका ये कहना है कि जो ये लिटिल से ज़ीरो टॉलरेंस हुई है, यानी कि ज़ीरो टॉलरेंस दोस्तों यानी कि ज़ीरो काइंड ऑफ एक्सेप्टेंस, यानी कि बिल्कुल 100% इम्यूनिटी फ्रॉम इलीगल इमिग्रेंट्स एंटरिंग इनटू USA। इन्होंने ये चीज़ बोली है कि जो ये ज़ीरो टॉलरेंस है जो आज के टाइम पे डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है, यानी कि 0% हम लोग एक्सेप्ट करेंगे इलीगल इमिग्रेंट्स को, ये फ्रॉम लिटिल टॉलरेंस बना है। यानी कि इससे पहले भी लिटिल टॉलरेंस ही थी, यानी कि कुछ ही प्रेसिडेंट्स ने एक्सेप्ट किया है इलीगल इमिग्रेंट्स को। अब दोस्तों इन्होंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं जहाँ पे इन्होंने ये चीज़ शो करने की कोशिश करी है कि पहले भी जो है एक बार ऐसा एग्जांपल हुआ है कि 6 से 7 साल के बच्चों को अरेस्ट किया जाता है यूएस में के अंदर, अगर वो छोटी छोटी बातों पर स्कूल के अंदर इंसिडेंट्स हो जाते हैं तो कंप्लेन हो जाती है बच्चों के अगेंस्ट और उनको अरेस्ट कर लिया जाता है। यही नहीं, अमेरिका के अंदर पहले भी जो इलीगल इमिग्रेंट्स USA के अंदर आते थे उनके उनको हैंडकफ करके यंग बच्चों को अपने पास रख लेते थे और फोस्टर केयर में डाल देते थे। फोस्टर केयर यानी कि किसी और के अंडर बच्चों को रख देते थे और पेरेंट्स जो है जेल के अंदर डाल दिए जाते थे। अब दोस्तों यही चीज़ इस आर्टिकल के अंदर रिप्रेजेंट की गई है कि पहले भी डोनाल्ड ट्रंप से पहले, मैं अगर यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप को एक टाइमलाइन पर दिखाऊँ तो डोनाल्ड ट्रंप से पहले भी जो है लिटिल टॉलरेंस था विद रिस्पेक्ट टू इलीगल इमिग्रेंट्स और अब तो ज़ीरो टॉलरेंस हो गया है। तो ओनली पर्सपेक्टिव जो ये आर्टिकल दिखाना चाह रहा है वो ये है कि देर इज़ अ ट्रांजिशन, कि पहले लिटिल होती थी यानी कि पहले भी US का एटीट्यूड विद रिस्पेक्ट टू इलीगल इमिग्रेंट्स ख़राब था, वो लोग बच्चों को अरेस्ट करते थे, बच्चों और उनकी फैमिलीज़ को प्रताड़ना में डालते थे, लेकिन अब जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी है बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पे आ गई। सो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ द एंटायर आर्टिकल।
दोस्तों हमारा लास्ट जो एडिटोरियल है आज का वो है एनकरेजिंग मीडिएशन टू सेटल डिस्प्यूट्स। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी जो हमने एडिटोरियल्स पढ़े ये यूएसए से रिलेटेड था, इंडिया से कंटेक्स्ट नहीं है, यूपीएससी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन चाइल्ड राइट्स पे अगर आपको कभी लिखने को मिले तो आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। इस वाले आर्टिकल को आप इस रिलेशन में यूज़ कर सकते हैं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्रेक्सिट कितना सक्सेसफुल रहा है, या फिर रिसेंट हैपनिंग्स इन यूरोप अगर पूछा जाए तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं, लेकिन इंडिया से रिलेटेड नहीं था डायरेक्टली। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि डायरेक्टली यूपीएससी से रिलेटेड है। कभी भी आपसे पूछा जाए इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कहाँ रहे हैं, एनपीएस के रिगार्डिंग क्या है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट ऑफ आरबीआई क्या है, सबके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये एडिटोरियल था। लेकिन इन सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल आज का है ये। अब इसके अंदर दोस्तों क्या है, पहले तो हम समझते हैं यूएन सिट्राल क्या है, यानी कि यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड लॉ। दोस्तों ये एक इंटरनेशनल बॉडी है यूनाइटेड नेशंस की, जो वर्क करती है इंटरनेशनल ट्रेड लॉ के लिए। आपको पता है कि जैसे यूएन की कई सारी बॉडीज़ हैं, चाहे वो यूनेस्को हो जो वर्क करती है इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट के लिए, चाहे वो फिर सीडो हो जो वर्क करती है वुमेन डेवलपमेंट के लिए। सीडो यानी कि एक कन्वेंशन है ऑन एलिमिनेशन ऑफ ऑल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, तो इसको बोलते हैं सीडो। तो ऐसे डिफरेंट बॉडीज़ हैं, ऐसे ही एक यूएन सिट्राल है जो वर्क करती है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। अब दोस्तों जो यहाँ पे आर्टिकल लिखा है चित्रा नारायण ने, जो कि एक लॉयर हैं चेन्नई की, उन्होंने आर्टिकल लिखा है। उन्होंने कहा है कि रिसेंटली एक कन्वेंशन जो है, देयर इज अ पर्टिकुलर कन्वेंशन, कन्वेंशन आप इस तरीके से समझ लीजिए दोस्तों कि जैसे लॉ हो किसी कंट्री का, जैसे हमारे यहाँ पे आईपीसी है या फिर डिफरेंट स्टैट्यूट्स है, स्टैट्यूट यानी कि डिफरेंट लॉज हैं, तो ऐसे ही इंटरनेशनल जो लॉज होते हैं उनको कन्वेंशन बोलते हैं, ट्रीटीज़ बोलते हैं। ये सब पर्टिकुलर टेक्निकल टर्म्स हैं, अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि पर्टिकुलर कन्वेंशन जो है वो साइन की जा रही है यूएन सिट्राल में। और ये कन्वेंशन क्या कह रही है दोस्तों, ये कन्वेंशन ये कह रही है मैंडेटरी, पूरा लिख के आपको समझा देता हूँ मैं, मैंडेटरी मीडिएशन। यानी कि अब इसका मतलब मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। अब देखिए दोस्तों, जैसे अगर हम कोर्ट के अंदर जाते हैं, दो पार्टीज़ होती हैं, इन दोनों के बीच में केस लड़ा जाता है। इन आपको पता ही है कि केसेस कितने सालों तक चलते हैं, मतलब 7-8 साल से पहले अगर केस ख़त्म हो जाए तो बड़ी अच्छी बात हो जाती है, बड़ा ही समझा जाता है, बड़ी जल्दी डिसीजन ले लिया गया है। तो अब बड़ी बड़ी कंपनीज़ के पास दोस्तों इतना टाइम नहीं है कि वो 7-8 साल तक लिटिगेशन में फंसी रहे, बड़े बड़े वकीलों को करें कि वो बड़े बड़े वकीलों को करे और 7-8 साल तक लिटिगेशन के अंदर ही पड़ी रहे। तो इसके लिए अब यूएन सिट्राल जो क्या करना चाह रहा है, वो एक मीडिएशन की प्रोसेस लाना चाह रहा है। अब दोस्तों मीडिएशन के अंदर क्या होता है, दो पार्टीज तो रहती हैं लेकिन कोर्ट डिसीजन नहीं लेती है, एक तीसरा बंदा आता है बीच में जो इन दोनों के बीच में मीडिएट कराता है। मीडिएट यानी कि संधि कराना, एक तरीके से कॉम्प्रोमाइज समझ लीजिए कि दोनों पार्टीज इन जो है फॉर्मल, मतलब एक फॉर्मली ही मिलेंगे, एक मीटिंग होगी जहाँ पे एक तीसरा यानी कि एक इम्पार्शियल और अनबायस्ड पर्सन जो है बैठेगा, उन दोनों के बीच में मीटिंग कराएगा, मीडिएशन कराएगा। मीडिएशन एक जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, तरीके से कॉम्प्रोमाइज़ कराएगा और डिसीजन ले लिया जाएगा। इसमें टाइम भी नहीं लगेगा, 1-2 साल के अंदर डिसीजन ले लिया जाएगा, डिस्प्यूट ख़त्म हो जाएगा, लंबी लिटिगेशन नहीं रहेगी, बड़ा पैसा नहीं लगेगा वकीलों के पीछे, आपस में डिसीजन ले लिया जाएगा। तो ये पॉजिटिव्स हैं दोस्तों इसके, कि जो ये मैंडेटरी प्री लिटिगेशन है, मतलब प्री लिटिगेशन मीडिएशन, इसका मतलब मैं टेक्निकली बता दूं कि लिटिगेशन से पहले, लिटिगेशन का मतलब दोस्तों कोर्ट का केस, कि लिटिगेशन से पहले मीडिएशन होनी चाहिए, इस तरह का कॉम्प्रोमाइज़ होना चाहिए। तो ये एक दोस्तों पॉजिटिव डिसीजन है, इससे आगे चीज़ें बढ़ेंगी। क्योंकि आप देखिए इंटरनेशनल ट्रेड लॉ की बात कर रहे हैं, इंडिया और चाइना के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में दो कंपनीज़ हैं वहाँ की, अब जो है लड़ाई हो गई, किसका लॉ अप्लाई करेगा पता नहीं, कौन सी कोर्ट डिसीजन लेगी पता नहीं, कैसे हम आगे प्रोसीजर लगाएंगे पता नहीं, इन्हीं सब की कन्फ्यूजन में बड़ा टाइम लग जाएगा। अब मीडिएशन होगी, सिंपली चाहिए कोई लॉ वगैरह चाहिए नहीं, दोनों कंपनी साथ में बैठेंगी, एक तीसरा बंदा साथ में बैठेगा, डिसीजन ले लिया जाएगा। सो दिस इज हाउ मीडिएशन इज गोइंग टू टेक प्लेस अंडर यूएन सिट्राल्स न्यू कन्वेंशन। अब दोस्तों लेकिन इसका नेगेटिव भी है, नेगेटिव क्या है, इट इज़ नॉट बाइंडिंग। बाइंडिंग यानी कि अगर जो मीडिएशन जब हो जाएगी उसका जो डिसीजन होगा, दोनों पार्टीज़ मिलकर डिसाइड करेंगे क्या करना है, लेकिन वो उनके ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा, उनके ऊपर एनफोर्सेबल नहीं होगा, उनके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो उसको फॉलो करें, कोई उनको सजा नहीं दे सकता अगर वो उसको फॉलो नहीं करते हैं। तो ये इसका दिखे नेगेटिव है, क्योंकि ये जो मीडिएशन है ये चलता है ट्रस्ट पे, कि दोनों कंपनी एक दूसरे के साथ ट्रस्ट करके काम करें तो ही मीडिएशन चल पाती है।
अब अगर बाइंडिंग कराना है तो हाँ कोर्ट है उसके लिए, कि कोर्ट जो है डिसीजन लेती है, अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो आपको पनिशमेंट मिलती है, तो वहाँ बाइंडिंग होता है, लेकिन मीडिएशन के अंदर बाइंडिंग नहीं होता है। इसीलिए दोस्तों उसको बोला जा रहा है प्री लिटिगेशन मीडिएशन, यानी कि अगर आप बाइंडिंग तो नहीं है, अगर आप फॉलो नहीं करते मीडिएशन के डिसीजन को, तो फिर आप कोर्ट में जाके केस लड़ सकते हैं। सो दिस इज़ व्हाट हैज़ बीन टोल्ड इन दिस, एनकरेजिंग मीडिएशन टू सेटल डिस्प्यूट्स, यानी कि मीडिएशन का एनकरेजमेंट, उसका प्रोत्साहन टू सेटल डिस्प्यूट्स। दोस्तों इसी के साथ हमारा एडिटोरियल एनालिसिस तो खत्म हो जाता है, अब हम अपना न्यूज़ एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। दोस्तों कल हमने डिस्कस किया था कि यूएस और इंडिया के बीच में 2+2 डायलॉग होने वाला है। 2+2 इसलिए बोलते हैं क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आपस में दोनों कंट्रीज़ की मीटिंग करने वाली हैं, यानी कि दो एक कंट्री की और दो दूसरे कंट्री की आके आपस में मीटिंग करने वाली थी, तो इसका कंसेप्ट था 2+2 डायलॉग में। अब दोस्तों ये जो है बस सिंपल न्यूज़ ये है कि ये पोस्टपोन हो गई है। वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है मिस्टर पोम्पियो, इन्होंने हमारी एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर यानी सुषमा स्वराज से बात करी है और ये चीज़ बोली है कि अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से मीटिंग को पोस्टपोन करना पड़ेगा। तो मीटिंग तो होगी लेकिन अभी नहीं हो रही है, इट इज़ पोस्टपोन्ड और अभी डेट नहीं आई है। तो इस न्यूज़ को हम फॉलो करते रहेंगे एंड लेट अस सी कब जाके डिसीजन लिया जाता है, कब मीटिंग की जाएगी इंडिया और यूएस के बीच में। अब दोस्तों मैं आपको थोड़ा और बता देता हूँ कि ये जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं यूएस और इंडिया के बीच में, दिस इज़ पर्टिकुलरली इन रेस्पेक्ट टू कि जो रशिया के जो यूएस का डिसीजन है कि रशिया के जो भी फेवर में है उन सब के ऊपर सैंक्शंस लगेंगे, तो उसके रिगार्डिंग एक्चुअली मीटिंग हो रही है कि इंडिया चाह रहा है कि भाई आप अपनी दुश्मनी की वजह से हमारा तो काम मत ख़राब कीजिए, कि अगर हम रशिया के साथ अपना ट्रेड बनाना चाहते हैं, उनके साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं, तो हम आपके सैंक्शंस के दबाव में आके उनके साथ अपना जो रिलेशन ख़राब नहीं करना चाहते, तो इन्हीं सब के रिगार्डिंग ये मीटिंग होने वाली है 2+2 डायलॉग में। अब दोस्तों सेकंड न्यूज़ है, सेंटर में स्क्रैप यूजीसी प्रपोज न्यू रेगुलेटर। दोस्तों पहले मैं आपको बता दूं यूजीसी क्या है। यूजीसी है यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन। यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन का मतलब ये है कि ये कमीशन है जो वर्क करता है जितनी भी यूनिवर्सिटी लेवल डिसीजंस हैं उन पे, जितनी भी आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन सब पे यूजीसी का डंडा चलता है। अगर मैं आपको स्लैंग में बताऊं तो कि यूजीसी ही डिसाइड करती है कि कौन प्रोफेसर्स होंगे, क्या करिकुलम होगा, क्या सिलेबस होगा, कितनी क्लासेस होंगी, क्या पे स्केल होगा, एसेक्ट्रा सब यूजीसी के अंडर आता है। तो ये यूजीसी की रेलेवेंस है। अब जो है ये रिसेंट डिसीजन लिया जा रहा है, एक नया लॉ लाया जा रहा है जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया रिपील ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन एक्ट 2018। यानी कि यूजीसी को हटा के एक नई बॉडी लाने का विचार किया जा रहा है जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया HECI। सिंपली ये न्यूज़ है दोस्तों और इसके अंदर कुछ स्पेशल नहीं है, और अभी तो बिल ही है, तो लेट अस सी कब तक ये लॉ बनता है। तो अगर ये लॉ आया तो UGC नाम की बॉडी जो अभी तक यूनिवर्सिटीज़ के ऊपर कंट्रोल करती थी, उनका सारे कार्य को देखती थी, उनके सारे नोटिसेस वगैरह UGC निकालती थी, वो ख़त्म हो जाएगी और उसकी जगह एक नई बॉडी आएगी जिसका नाम है हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। सो एक न्यू कमीशन के बारे में प्रेजेंट गवर्नमेंट सोच रही है। अब इसका रीज़न कई हो सकते हैं कि UGC हैज़ बीन अ फेल्ड अथॉरिटी, ये मानना है गवर्नमेंट का, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी नहीं है और सिर्फ वही नहीं, एक काफ़ी पुरानी बॉडी हो गई, तो ये रिवाइव करने का एक प्रोसीजर होता है दोस्तों कि नई बॉडीज़ ला के सिस्टम को रिवाइव करना। उसके बाद दोस्तों हमारी अगली न्यूज़ है कि ICSSR's न्यू विज़न मेक रिसर्च रेलेवेंट टू पॉलिसी। दोस्तों सिंपली मैं आपको बताता हूँ, यानी कि ICSR माने कि इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डेफिनेशन को, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च। अब ये नाम की जो हमारी काउंसिल है यानी कि एक इंस्टीट्यूशन है, ये इसका ये कहना है कि जो भी रिसर्च के टॉपिक्स होते हैं, देखिए दोस्तों रिसर्च किसी भी तरीके से हो सकती है, थ्रू प्रोजेक्ट्स हो सकती है या थ्रू PhD हो सकती है, तो इनका ये मानना है ICSR का, उनका ये कहना है कि जो ये रिसर्च हम करते हैं ये सिर्फ आइडियोलॉजिकल नहीं होनी चाहिए। अभी तक क्या होता था कि जो भी सोशल साइंस के अंदर रिसर्च होती थी आइडियोलॉजिकल बेस्ड होती थी, सिंपल आइडियाज़ के ऊपर होती थी, उनका कोई मकसद ना हो तो भी उनके ऊपर रिसर्च होती थी। लेकिन अब ICSR का मानना है कि दिस शुड बी पॉलिसी बेस्ड, यानी कि जैसे कि इस लास्ट पैराग्राफ से देखते हैं, एग्रेरियन इश्यूज़, एग्रीकल्चर के इश्यूज़ यानी कि फार्मर का डिस्ट्रेस, एग्रीकल्चर ग्रोथ, पॉवर्टी एलिवेशन, रिवाइटलाइजेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, यानी कि इन सब पर रिसर्च होनी चाहिए।
हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको अगर हम पैसा देते हैं, उनको रिसर्च करने के लिए कहते हैं, डिफरेंट सेंटर्स डेवलप किए जाते हैं, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स दिए जाते हैं, उनमें पैसा लगाती है गवर्नमेंट की, रिसर्च कीजिए, वो सिर्फ अब आइडियोलॉजिकल बेस नहीं होनी चाहिए, उनका कुछ मकसद होना चाहिए। वो मकसद होना चाहिए देश का डेवलपमेंट, देश के रिगार्डिंग जो पॉलिसी बनेगी उसका मकसद होना चाहिए। सो दिस इज़ द डिसीजन ऑफ ICC सर। उन्होंने जो है मतलब एक डिसीजन नहीं है, एक तरीके से प्रपोजल दिया है गवर्नमेंट को कि आप जो है इस सब पे काम कीजिए, इस सब के ऊपर जो है रिसर्च टॉपिक्स होने चाहिए। और उन्होंने एग्जांपल के थ्रू गवर्नमेंट को समझाना चाहे कि हम इन सब पे रिसर्च करेंगे आगे से, इन सब के ऊपर रिसर्च के टॉपिक्स होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट न्यूज़ है, नेपाल वेलकम्स 2+1 डायलॉग मैकेनिज्म। कल भी दोस्तों डील किया था, लेट अस डिस्कस अगेन। 2+1 यानी कि नेपाल, चाइना एंड हियर कम्स इंडिया। दोस्तों चाइना का ये कहना था कि अगर चाइना नेपाल के रिलेशंस को सक्सेसफुल बनना है तो उसके अंदर इंडिया का रोल भी होना चाहिए। दिस इज़ व्हाट चाइना सेड। एक काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, हमारे इंडिया चाइना रिलेशंस के अंदर नेपाल किस तरीके से रेलेवेंसी अब निभाने वाला है, किस तरीके से इंडिया नेपाल के रिलेशन में चाइना रेलेवेंसी निभाने वाला है, ये दिखता है सामने। तो अब जो नेपाल के एनवायरमेंट मिनिस्टर हैं शक्ति बस्नेत, उन्होंने बोला है कि वो ये इस प्रपोजल को चाइना के वेलकम करते हैं कि नेपाल और चाइना के रिलेशंस के बीच में इंडिया का होना ज़रूरी है, क्योंकि इकोनॉमिकली स्ट्रेटेजिकली इंडिया और चाइना दोनों रेलेवेंट है। अगर दोनों एक दूसरे से अलग होकर चलेंगे तो एशिया का फ़ायदा नहीं है। इसी सब को फ़ायदे में, इसी सब को सोचते हुए नेपाल ने भी वेलकम किया है चाइना के इस प्रपोजल को कि इंडिया का रोल होना चाहिए चाइना नेपाल के बढ़ते हुए रिलेशंस के साथ। सो दिस इज़ अ पॉजिटिव रिलेशन, क्योंकि इंडिया भी इसको जो है पॉजिटिव सेंस में लेगा। अब दोस्तों एक थोड़ी अच्छी न्यूज़ नहीं है इकोनॉमी की, जो कह रही है कि रुपी टम्बल्स टू 19-month लो ऑन ऑयल। यानी कि दोस्तों जो रुपए का प्राइस है विद रेस्पेक्ट टू डॉलर, डॉलर के रेस्पेक्ट में रुपए का जो दाम है वो एक तरीके से गिर चुका है, यानी कि रुपया जो है वो बढ़ चुका है। मतलब रुपया स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ, रुपया हुआ वीक है, लेकिन रुपीज़ की जो वैल्यू है बढ़ गई है। तो यही होता है दोस्तों कि अगर किसी करेंसी के मुकाबले आपकी वैल्यू बढ़ जाती है तो आपका जो करेंसी है वो वीक होता जा रहा है। अब देखिए क्यों ये कह रहे हैं, क्योंकि 68.73 पे पहुंच चुका है इंडियन रुपीज़, बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है डॉलर। तो इस वजह से इंडिया की जो एक करेंसी है वो US के मुकाबले वीक हो गई है। अब इसके जो दोस्तों रीजंस हैं, दो रीज़न हैं, उसको समझा देते हैं, पूरा न्यूज़ ख़त्म हो जाएगी। सो पहला दोस्तों इसका जो रीज़न है वो है क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम। दूसरा रीज़न क्या है, अभी आता हूँ इसको एक्सप्लेन करने के लिए, क्रूड ऑयल के बढ़ते दाम। दूसरा है US फेडरल बैंक। अब इस सब दोनों को डील करता हूँ, ऐसे ही बता देता हूँ बिना लिखे ही। क्रूड ऑयल का अगर दाम बढ़ेगा तो इंडिया के अंदर से डॉलर जो है निकलेगा ज़्यादा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 60, कोई भी फिक्शनल नंबर ले लेते हैं कि 60, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 60 डॉलर का जो है, सॉरी दोस्तों, 60 डॉलर का अगर ऑयल है तो ठीक है, चलिए ठीक है। अगर ये 70 का हो जाए तो इंडिया को और ज़्यादा डॉलर्स पे करने पड़ेंगे। अब डॉलर जो है वो इंटरनेशनल करेंसी एक तरीके से, क्रूड कंपनीज एक्सेप्ट भी डॉलर करती है, रुपी में पेमेंट ही लेते। 70 डॉलर अब देना है तो आपके यहाँ से क्या होगा, डॉलर और ज़्यादा कम हो जाएगा, डॉलर कम होगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, जिस चीज़ की, जो चीज़ जितनी रेयर होती रहेगी उतना ज़्यादा वो महंगा होता रहेगा। तो यही चीज़ हो रही है, क्रूड ऑयल की वजह से इंडिया से डॉलर ज़्यादा जा रहा है, डॉलर ज़्यादा जा रहा है तो इंडिया के अंदर डॉलर की कमी हो रही है, डॉलर की कमी हो रही है तो डॉलर का दाम बढ़ रहा है, एज सिंपल एज दैट। अब दूसरा रीज़न जो दोस्तों हम डिस्कस करने वाले थे, US का फेडरल बैंक, US फेडरल बैंक। अब दोस्तों सिंपल सी बात है, फेडरल बैंक ने क्या किया है, इंटरेस्ट रेट हाई कर दिए हैं। इंटरेस्ट रेट अगर हाई हो गया है तो लोग ज़्यादा पैसा बैंक में जमा करेंगे, क्यों, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अच्छा मिल रहा है, ऑब्वियस ही बात है। अब क्या होगा, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा लोग डॉलर बैंक के अंदर ज़्यादा रखेंगे तो खर्चा कम होगा, यानी कि इंडिया के पास डॉलर कम आएगा, क्योंकि लोग तो डॉलर वहाँ अपने बैंक में जमा करके बैठे हैं। जब इंडिया के पास डॉलर नहीं आएगा, ऊपर से डॉलर और ज़्यादा निकल रहा है क्रूड ऑयल की वजह से, इंडिया के अंदर डॉलर और कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है, डॉलर का दाम बढ़ेगा। सो दिस इज़ द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर न्यूज़ आज की, कि रुपी जो है जो टंबल हो रहा है, जो रुपी जो है ख़राब होता जा रहा है दिन पे दिन, इसके रीज़न ये है। अब दोस्तों आज की हमारी लास्ट न्यूज़ है कि नॉर्थ कोरिया ने जो
यूएस के साथ वादा किया था कि वो अपने डीन्यूक्लियराइजेशन पे काम करेगा, अपने न्यूक्लियर प्लांट्स को डाउन करेगा, उस पे जो सैटेलाइट रिपोर्ट आई है वो तो ऐसा कुछ नहीं कह रही है कि नॉर्थ कोरिया ने कुछ पॉजिटिव स्टेप लिया है। इवन ये कहा जा रहा है सैटेलाइट रिपोर्ट, अगर आपको मैं दिखाऊं तो जो रिसेंट सैटेलाइट इमेजेस आई हैं उनका ये कहना है कि जो ऑपरेशंस कंटिन्यू हो रहे हैं 38 नॉर्थ वेबसाइट्स पे, यानी कि 38 नॉर्थ कोरिया की जो साइट्स हैं वहाँ पे कंटिन्यूसली काम चल रहा है। और सिर्फ यही नहीं कि जो पुरानी है उन पे काम हो रहा है बल्कि नए प्रोजेक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। सो दिस इज़ कम्प्लीटली अगेंस्ट वट नॉर्थ कोरिया हैड प्रोमिस्ड यूएसए। सो देखते हैं दोस्तों अब आगे ये कैसे डेवलप होती है, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो पहली खबर आई है, कल देखते हैं यूएस का क्या रिएक्शन होता है। कल परसों अगर कुछ और डेवलपमेंट होगी तो हम दोबारा इसको न्यूज़ एनालिसिस में कवर करेंगे। सो दोस्तों इसी के साथ आज का हमारा डेली न्यूज़ एंड एनालिसिस खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कोई भी अगर आपका क्वेश्चन है तो कमेंट में प्लीज़ ड्रॉप कीजिए, हम पक्का जो है रिप्लाई करेंगे। अगर आपका कोई पर्सनल क्वेश्चन है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आप कॉन्स्टेंटली नोटिफिकेशन पाते रहें। दोस्तों थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।